आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन अब पूरे देश के लिए लॉन्च हो चुका है। इसमें आप अपनी हेल्थ आईडी बना सकते हैं। देश के सभी हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, डॉक्टर्स और नर्सों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसका फायदा आपको ये होगा कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक जाएंगे तो आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स अपने साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपकी हेल्थ आईडी पर डिजिटली रिकॉर्ड रहेगी, जिसको किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में चेक किया जा सकेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन हेल्थ आईडी कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी हेल्थ आईडी बनाने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने हेल्थ आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको जनरेट वाया आधार पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप अपना आधार कार्ड यूज नहीं करना चाहते तो आप नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन मुझे आधार कार्ड के थ्रू हेल्थ आईडी जनरेट करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, जनरेट वाया आधार। इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे और इसके बाद सबमिट। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डालकर सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आप अपनी हेल्थ आईडी से मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डालकर सबमिट करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ डालकर सबमिट करेंगे। आपके सामने आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और आपका फोटो आ जाएगा। इसमें आपको दो चीजें एंटर करनी होगी, एक तो आपको अपना PHR एड्रेस यानी हेल्थ आईडी क्या रखनी है वो आप यहां पर डालेंगे। जैसे UPI आईडी बनाई जाती है वैसे ही जो भी आपको हेल्थ आईडी रखनी है वो आप यहां पर टाइप करेंगे। इसके बाद नीचे यहां पर अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हेल्थ आईडी कार्ड, इसमें एक हेल्थ आईडी नंबर और एक QR कोड भी दिया गया है। नीचे आप डाउनलोड पर क्लिक करके इस आईडी कार्ड को डाउनलोड करेंगे और आप किसी भी शॉप से प्रिंट और लेमिनेट कराकर इसको अपने पास रखेंगे। लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि माय अकाउंट में आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, आप कोई पासवर्ड सेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, KYC वेरिफिकेशन आप दोबारा से कर सकते हैं और किसी भी टाइम आप अपनी हेल्थ आईडी को यहीं से डीएक्टिव या डिलीट भी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे वो आप यहाँ माय बेनिफिट्स पर क्लिक करके देख पाएंगे, यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप बिना आधार नंबर यूज किए हेल्थ आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ पर क्लिक करेंगे। इसमें आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जनरेट वाया मोबाइल पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे। आपके पास एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे। अब इसमें आपको अपनी पूरी डिटेल्स मैन्युअली फिल करनी होगी। इसमें आप अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, अपना जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद जो भी आप हेल्थ आईडी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। नीचे आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप डालेंगे, अपना एड्रेस और स्टेट चूज करेंगे। इसके बाद सबमिट। आपका हेल्थ आईडी कार्ड सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हेल्थ आईडी कार्ड, जो कि हमने बिना आधार कार्ड के जनरेट किया है। यहीं से आप डाउनलोड पर क्लिक करके अपने इस हेल्थ आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अपनी हेल्थ आईडी में हेल्थ रिकॉर्ड सेव करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप अपना PHR एड्रेस और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। इसमें आप प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स देख सकते हैं, आपका QR कोड, हेल्थ आईडी नंबर, PHR एड्रेस आ जाएगा और नीचे आपकी पर्सनल इन्फो आ जाएगी। यहीं से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अपना हेल्थ रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आप लिंक रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। जिस हॉस्पिटल में भी आपने इलाज कराया है या आपका इलाज चल रहा है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्टेट चूज करेंगे, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और यहाँ पर हॉस्पिटल का नेम डालेंगे तो आपका हेल्थ रिकॉर्ड फेच हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कोविड वैक्सीन लगवाई है तो आप उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर फेच कर सकते हैं, जिसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर फेच रिकॉर्ड्स पर क्लिक करना है तो आपका रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जब भी आप कोई टेस्ट कराएंगे या किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में इलाज कराएंगे तो आपके सभी हेल्थ रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड होते रहेंगे और आप एक ही जगह पर अपनी हेल्थ हिस्ट्री देख सकते हैं। किसी भी टाइम अगर आप अपनी हेल्थ आईडी डिलीट करना चाहते हैं तो आप माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप डिलीट हेल्थ आईडी पर क्लिक
करेंगे। इसमें आप चूज कर लेंगे डिलीट माई हेल्थ आईडी परमानेंटली और कंटिन्यू। इसमें आप कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी हेल्थ आईडी क्यों डिलीट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसमें आप ओटीपी या पासवर्ड चूज करेंगे। यहाँ पर अपना पासवर्ड डालकर सबमिट करेंगे। आपकी हेल्थ आईडी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। सो इस तरह से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आप अपनी हेल्थ आईडी बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।